आखिर आप सभी लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह हम आपके सामने एक ऐसे आदर्श व्यक्ति का चरित्र सामने लाते हैं जो समाज के लिए हमेशा ही एक आइकॉन रहते हैं। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी सर का। दयाशंकर तिवारी ये नाम सिर्फ नागपुर ही नहीं तो पूरे भारत देश में एक उत्कृष्ट वक्ता करके परिचित है। सर को साल 1986, 1987 और 88 में भारत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता करके अवार्ड मिला। सर ने अपने उत्कृष्ट वक्तृत्व के कारण दिल्ली तक अपनी छाप छोड़ी है। सर पिछले 40 साल से बीजेपी पक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में सर प्रभाग 19 से नगर सेवक भी है। सर को 1989 में सर्वश्रेष्ठ युवा संसद का अवार्ड तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री बलराम जी जाखड़ के हस्ते मिला है। सर 2012 और 13 साल में नागपुर महानगर पालिका के स्थायी समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारी पहचान है। आप आए हमारे चैनल पे, लगा ऐसे कि आज खुदा हम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे YouTube चैनल। हमारे प्रेक्षक आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक। सर हमारे प्रेक्षकों को आपके बारे में थोड़ा बताएं। पूरी में मेरा रहना है, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से मेरा संबंध है। इस नागपुर नगरी में ही 11/1963 में मैंने अवतार लिया। मेरे पिता श्री चंद्रशेखर तिवारी और औदित्य का व्यवसाय करते थे। मेरी माता शारदा तिवारी यह एक गृहिणी के रूप में परिवार का संचालन और बच्चों को संस्कार देने का कार्य जीवन भर करते हैं। इन दोनों माता पिता के आशीर्वाद और सानिध्य में पढ़ने का पढ़ने का मौका मिला। मैं जब 9वीं क्लास में पढ़ता था उसी समय मेरे पिता का कालवश कर्क रोग के कारण देहांत हो गया और प्रकृति को जो मंजूर था वो मुझे करना पड़ा। परिवार में सबसे ज्येष्ठ होने के कारण अपनी 9वीं क्लास की पढ़ाई के साथ साथ परिवार के संचालन की जिम्मेदारी भी, आर्थिक जिम्मेदारी भी मुझ पर आ पड़ी, जो माता के नेतृत्व में और परिजनों के आशीर्वाद के साथ में मैंने संचालित करी। आज मैं जो कुछ भी हूँ इसका सारा श्रेय मैं मेरी माता के मिले हुए साथ और माता के मिले हुए आशीर्वाद को देता हूँ, जिसके कारण पिता के ना रहते हुए भी उस कमी को परिपूर्ण करने का काम मेरी माता ने किया और मेरी माँ और मेरे पिता दोनों की भूमिका उन्होंने निभाई। लोग जब मुझसे कहते हैं कि दयाशंकर आपकी वाणी में सरस्वती का निवास है तो मैं गर्व से कहता हूँ ऐसा मत कहो, मेरी तो माँ का ही नाम शारदा है और उस शारदा के आशीर्वाद से ही आज दयाशंकर दयाशंकर बना, अन्यथा दयाशंकर की क्या क्षमता थी, क्या होता था। यह दयाशंकर धीरे 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 मेरा प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में मेरा शिक्षण हुआ हाई स्कूल तक का। उसके पश्चात जूनियर कॉलेज मैंने सिद्धू महाविद्यालय से किया। मेरा ग्रेजुएशन VNB कॉलेज वर्धमान नगर से हुआ। उसके पश्चात मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन मॉरिस कॉलेज नागपुर से हुआ। इसके पश्चात मैंने मास कम्युनिकेशन नागपुर विद्यापीठ से किया। इस दृष्टि से मेरा शिक्षण परिपूर्ण हुआ और ये कहने में मैं किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं करता कि मेरे पिता का देहांत होने के बाद मुझे मेरे परिवार संचालन करने के लिए जो रोज़गार करना पड़ा तो रोज़गार मेरा वही पुस्तैनी व्यवसाय था जो मेरे पिता का। मैंने भी पौरोहित्य करके सत्यनारायण करके विवाह करा करके उसी के माध्यम से अर्थार्जन करके कर्मकांड के माध्यम से परिवार के संचालन का दायित्व का निर्वहन किया और आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए उस विपरीत परिस्थिति से आगे आने के बावजूद भले ही मैं मध्यम वर्ग में आज भी हूँ लेकिन मेरे परिवार के सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में सुखी हैं, संपन्न हैं और अच्छे से कार्य करते हैं। सर आपको भारत देश का सर्वश्रेष्ठ वक्ता का अवार्ड लगातार 3 साल मिला है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कृपया इसके बारे में थोड़ा बताएं।
भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के स्मृति में भारतीय मामलों की विदेशी परिषद द्वारा एक वाद विवाद स्पर्धा का इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश की करीब करीब 200 यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी उसमें अपना सहयोग देते हैं। भारत की विदेश नीति पर आधारित ये वाद विवाद स्पर्धा होती है और इस स्पर्धा में 1986, 1987 और 1988 में शामिल होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरा सौभाग्य रहा कि तीनों वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता यह पुरस्कार मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त हुआ। इस बात का खत्म जरूर रहा कि टीम की ट्रॉफी क्यों नहीं मिली, लेकिन तीनों वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। पहले वर्ष भारत के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के हस्ते मिला, दूसरे वर्ष भारत के रक्षा मंत्री केसी पंत जी के हस्ते मिला और तीसरी बार भारत के संचार मंत्री श्री विद्याचरण जी शुक्ल इनके हस्ते मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ। पहले बार जब मुझे पुरस्कार प्राप्त हुआ तो मैं महाराष्ट्र का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, और जब तीन बार मुझे प्राप्त हुआ तो मैं देश का एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे लगातार 3 साल तक के इस पुरस्कार की प्राप्ति हुई और यह सौभाग्य मुझे प्राप्त नागपुर विद्यापीठ का प्रतिनिधित्व करते हुआ, इसलिए मैं नागपुर विद्यापीठ के उस समय के सभी वाइस चांसलर और स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर इन सभी का हृदय से आभार भी मानना चाहता हूँ। और इस क्षेत्र में मेरे मार्गदर्शक रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी मिश्र, उनका भी मैं मार्गदर्शन के लिए आभार मानना चाहता हूँ। और विशेष रूप से भारत की विदेश नीति पर बोलने के लिए मुझे जब प्रथम वर्ष बोलना था तो पिछले 40 वर्षों में भारत की विदेश नीति विश्व शांति को सहयोग देने वाली है यह विषय था, और इस विषय पर मैं कहाँ से शुरू करूँ मेरे सामने यक्ष प्रश्न था। मेरे ध्यान में आया कि 1977 में कुछ निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से जो कुछ चर्चाएं हुई उस विषय को लेकर के भारत के विदेश मंत्री की हैसियत से अटल जी ने UNO में हिंदी में एक संबोधन किया। वह भाषण मैं चाहता था कि मुझे हिंदी में प्राप्त हो, लेकिन दुर्भाग्य से अटल जी का हिंदी में दिया गया भाषण सारे जगह केवल अंग्रेजी में ही मिलता है। मैं उसे हिंदी में पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने कोशिश की कि मुझे कहाँ से मिलेगा। मैंने जानकारी ली तो पता चला कि पांचजन्य के अंक में 1977 में वह छपा था, इसलिए मैं नागपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री आनंद राव जी ठौरे के पास गया। आनंद राव जी ठौरे ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कार्यालय मंत्री कृष्णलाल जी शर्मा को पत्र लिखा, और कृष्णलाल जी शर्मा को पत्र लिखने के बाद मैं जब उनसे जाकर के मिला तो उनके लिए यही आश्चर्य का ठिकाना था कि एक स्पर्धा के लिए एक व्यक्ति नागपुर से दिल्ली आकर के तैयारी कर रहा है, लेकिन स्पर्धा अगर राष्ट्रीय स्तर की हो और मैं मेरे जीवन में पहली बार विदेश नीति पर भाषण देने के लिए राष्ट्रीय स्पर्धा में जा रहा हूँ तो संजीदगी के साथ में उसकी तैयारी होनी चाहिए। मैंने वो भाषण को सुना, उसके पश्चात उस भाषण का उपयोग भी मैंने किया। सौभाग्य रहा कि इस भाषण के पुरस्कार मिलने के बाद नागपुर में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नागपुर आगमन हुआ। अनायास मेरे वाद विवाद जीवन के 100 पुरस्कार पूरे हुए थे और राष्ट्रीय स्तर पर मुझे भारत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार मिला था। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय बहुत छोटी सी थी, हम लोग सारे के सारे कार्यकर्ता न्यू इंग्लिश स्कूल में जमा हुए और अटल जी के हस्ते मुझे पुरस्कार मिला, इसलिए मेरा सत्कार किया गया। और अटल जी को जितने जोर से उस समय हंसते हुए हमने देखा, शायद उतनी बड़ी हंसी अटल जी की हमने कभी कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं देखी। अटल जी ने मुझसे पूछा कि दिल्ली में क्या भाषण दिए दया शंकर, तो मैंने कहा कि भाषण इतने दिया जो आपने UNO में भाषण दिया तो वो मैंने दिल्ली में दिया। तो उन्होंने पूछा कि मैंने UNO में क्या भाषण दिया था, मैंने बोला आपने UNO में वही भाषण दिया था जो मैंने दिल्ली में दिया। अटल जी बड़े ज़ोर से हंसे, अरे भाई मैंने क्या बोला था शब्द तो बताओ। जब मैंने बताया कि आपने कहा था कि भारत की विदेश नीति कोई नीति नहीं है, भारत की विदेश नीति कोई राजनीतिक संवाद नहीं है, भारत की विदेश नीति किसी अमेरिका या रशिया के चाहत के धरोहर नहीं है, भारत की विदेश नीति अव्यक्त मानवता का व्यक्त स्वरूप है। विश्व की वो जनता जिसकी आवाज़ नहीं निकलती, आवाज़ निकली तो सुनी नहीं जाती, सुनी गई तो नज़रअंदाज कर दी जाती है। विश्व की उस पीड़ित प्रताड़ित और दलित जनता की आवाज़ को एकत्रित करके उसे विश्व मंच की आवाज़ बनाना, यह भारत की विदेश नीति है, यह आपने कहा था। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा था। इन शब्दों का उच्चारण करने के बाद अटल जी ने भी ताली बजा ली और उन्होंने कहा कि मेरा ये भाषण कहाँ से मिला। फिर उन्होंने बताया कि UNO में सारे के सारे ट्रांसलेटर जो लगे हैं उन्होंने मेरे हिंदी के भाषण को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए पूरे विश्व में ये मेरा भाषण अंग्रेजी में ही मिलता है।
मैंने हिंदी में कहाँ से प्राप्त किया, उन्होंने पूछा। जब मैंने बताया कि मैं नागपुर के कार्यालय से पत्र लेकर के दिल्ली के कार्यालय में गया और कृष्णलाल जी शर्मा ने मुझे यह भाषण उपलब्ध करा करके दिया, तो उन्होंने मुझे वापस मंच पर बुलाया और कहा कि दया का तेरा मुंह तो मीठा नहीं कराया। चाय और बिस्कुट वहाँ रखी हुई थी। अटल जी ने ग्लूकोज का बिस्कुट मेरे गले में डाला और अटल जी के कंधे पर जो शॉल थी उस शॉल को मेरे कंधे पर डाल करके अटल जी का सत्कार किया। आज भी मेरे यहाँ वह शॉल मेरे पूजा ग्रह पर रखी हुई है। सर, हमने सुना है कि आपको सर्वश्रेष्ठ युवा संसद का अवार्ड भी मिला है। ये अवार्ड क्या होता है और क्यों दिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा। भारत के विश्वविद्यालयीन विद्यार्थियों के समक्ष भारत की संसद कैसी चलना चाहिए, इस संकल्पना को साकार करने के लिए ब्यूरो ऑफ पार्लियामेंट्री एंड स्टडी ट्रेनिंग सेंटर ने एक स्पर्धा शुरू करी। इस स्पर्धा का नाम आदर्श सांसद स्पर्धा है और अंग्रेजी में उसे मॉडल पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट का संचालन जिस प्रकार से होता है उसी की प्रतिकृति 30 से 35 विद्यार्थियों की टीम बना करके करना और 2 से 2.5 घंटे में जिस प्रकार से पार्लियामेंट का संपूर्ण संचालन होता है उसके नियमों के अनुरूप संचालन करने की स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और वह नाट्य स्वरूप 2.5 घंटे में जिसमें पार्लियामेंट में जिन लोगों का देहांत हुआ है उन्हें श्रद्धांजलि देना, जो लोग नए निर्वाचित होकर के आए हैं उनका पदग्रहण समारोह करना, राष्ट्रपति का भाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण, लोकसभा के अध्यक्ष का सभागृह में प्रवेश, उसके साथ में आने वाले जो ADCs रहते हैं उनका प्रवेश, अगर राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में भाषण दिया तो उपराष्ट्रपति का हिंदी में भाषण, राष्ट्रपति ने हिंदी में भाषण दिया तो उपराष्ट्रपति का अंग्रेजी में भाषण, राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर काल, शून्यकाल, बिल को इंट्रोड्यूस करना, बिल पर चर्चा करना, इन सारी चीज़ों को समाविष्ट करके 2.5 घंटे में आपको जिस प्रकार से नियमों के अनुरूप पार्लियामेंट का संचालन होता है उसकी जानकारी दी जाती है। इसकी ट्रेनिंग पहले होती है, विरोधी पक्ष किस साइड में बैठेगा, सत्ता पक्ष किस साइड में बैठेगा, मंत्रिमंडल जिस समय बैठेगा तो प्रधानमंत्री के बाजू में कौन बैठेगा, उसके बाजू में कौन बैठेगा, सारा वही प्रोटोकॉल जो संसद में होता है उसी प्रोटोकॉल के अनुरूप यह स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हम लोग पहली बार 1989 में दिल्ली के लिए अपनी नागपुर विश्वविद्यालय की टीम को लेकर के गए थे। नीलिमा देशमुख, डॉक्टर मोहन काशिकर और उस समय के डॉक्टर PL जोशी जो HOD थे इनके नेतृत्व में हमने टीम तैयार की थी। मेरे लिए तो बड़ा विचित्र सा समय था। उस टीम में सिलेक्शन के लिए मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया, मैं इंटरव्यू दे रहा था तो डॉक्टर PL जोशी जी ने मेरा इंटरव्यू समाप्त होने के बाद कहा, दयाशंकर एक काम करो, आप अंदर आके हमारे साथ बैठ जाओ, अब बचे हुए बच्चों का इंटरव्यू आप ही ले लेना, आप ही टीम तैयार करो। मेरे लिए विचित्र सा मौका था कारण अपने ही साथियों का मैं कैसे इंटरव्यू लूँ, लेकिन हमने एक अच्छी टीम तैयार करी। उस टीम को लेकर के हम लोग दिल्ली तक गए। दिल्ली में जाकर के पार्लियामेंट अनेक्स बिल्डिंग में हमारा प्रेजेंटेशन हुआ और इस स्पर्धा का स्तर का अंदाज आप इसी बात से लगाइए कि उसमें निर्णायक कौन कौन थे। भारत के तत्कालीन ज्येष्ठ सांसद श्री लालकृष्ण जी आडवाणी ये उसमें एक जज के रूप में, निर्णायक के रूप में मौजूद थे। भारत की लोकसभा के सचिव हमारे सुभाष कश्यप जी वो वहाँ पर निर्णायक के रूप में मौजूद थे। TN सेशन से पहले जो भारतवर्ष के चुनाव आयुक्त थे श्री श्यामलाल शकधर जी ये वहाँ पर निर्णायक के रूप में मौजूद थे और इन तीनों नेतृत्व के निर्णायक के रूप में मौजूद होने के बाद किस प्रकार की स्पर्धा हुई होगी इसकी आप कल्पना कीजिए। पूरे भारत से अलग अलग जोन से 2-2 टीम सिलेक्ट की गई थी। इस दृष्टि से वहाँ पर फाइनल में केवल 12 टीमों का प्रेजेंटेशन हुआ। उस 12 टीम में नागपुर विश्वविद्यालय की टीम में भारत के सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद का पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य था कि उस समय लोकसभा के स्पीकर बलराम जी जाखड़, इतनी ज़्यादा हाइट थी बलराम जी जाखड़ की कि मैं 5'11" का होने के बावजूद भी उनके सामने उनके कंधे तक नहीं आता था और उस दबंग व्यक्तित्व से मुझे वह पुरस्कार लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे जीवन का यह भी एक अलग ही क्षण था और यह क्षण शायद मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं जब कहता हूं कि मुझे पुरस्कार मिला था कि मैं सर्वश्रेष्ठ युवा सांसद, तो लोग पूछते हैं कि अरे भाई कभी निर्वाचित होकर के तो गया नहीं, तो युवा सांसद कैसे बन गया। इसलिए सारी के सारी पृष्ठभूमि मैंने आपके समक्ष रखी कि आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में
भारत के संसद के प्रति जागृति उपलब्ध हो। और संसद किस प्रकार से चलती है आपने देखा है, संसद में किस प्रकार के चिल्लाहट होती है, मारापीटी होती है, छीना झपटी होती है। आजकल तो वातावरण इतना खराब हो गया कि गाली गलौज तक वातावरण पहुंच गया है। आज का भारत का नौजवान कि मस्तिष्क में किस प्रकार के संसद अपेक्षित है वो उसे अपनी संकल्पना से प्रस्तुत करना पड़ता है। तो भारत का नौजवान किस प्रकार के संसद चाहता है यह देश के राजनेताओं के सामने प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा माध्यम यह है, जिससे नौजवानों के अंतर्मन में उठ रहे विचारों की सोच भी हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। इस माध्यम से हम हमारे विचारों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। एक बात के लिए मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं, मौका है इसलिए उल्लेख करना चाहता हूं। हमने जो प्रश्न किए थे उसमें से दो प्रश्न आपको बताना नितांत आवश्यक समझना चाहता हूं, कारण हमारे प्रश्न ऐसे थे कि जिन प्रश्नों के ऊपर में हमारे निर्णायकों ने भी ताली बजाई। हमारा प्रश्न पहला यह था कि सड़क हादसे में अगर बस से कुचल करके कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको मिलने वाला जो मुआवजा होता है वो कम होता है, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में मर जाए तो उसको मिलने वाला मुआवजा भी उससे ज़्यादा होता है, अगर कोई व्यक्ति प्लेन में मर जाए तो उसको मिलने वाला मुआवजा उससे ज़्यादा होता है। हमने पूछा था कि यह जो मुआवजा मिलता है ये व्यक्ति की हैसियत के अनुरूप मिलता है क्या, या इस अनुरूप मिलता है कि उस व्यक्ति की आवश्यकता क्या है। सड़क पर मरने वाला व्यक्ति नैसर्गिक रूप से मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग का होगा, ट्रेन में मरने वाला व्यक्ति यह भी गरीब वर्ग का होगा, लेकिन ट्रेन में मरने वाला व्यक्ति यह नैसर्गिक रूप से धनाढ्य परिवार का होगा। तो मुआवजे की आवश्यकता किसे, गरीब को या करोड़पति को, यह हमारा प्रश्न। एक प्रश्न और हमारा रोचक था, हम जा रहे थे और जाते जाते ट्रेन में हमें एक अखबार मिल गया भोपाल रेलवे स्टेशन पर। उस अखबार में एक खबर छपी थी कि भोपाल के एक गांव में नसबंदी के बावजूद एक महिला को संतान उत्पन्न हो गई। हमने उसी को प्रश्न बना लिया कि अगर शासन के केंद्र में नसबंदी कराने के बाद अगर किसी दंपत्ति को संतान की प्राप्ति हो जाए तो इसके पालन पोषण का खर्चा कौन करेगा, वो दंपत्ति करेगी या भारत की सरकार करेगी। इसलिए ऐसे बिरले प्रश्न जो प्रश्न लोगों के मस्तिष्क में भी नहीं आते, ये हमने डाले, और यही प्रश्नों पर चर्चा करने के कारण हमारी यूनिवर्सिटी को यह पुरस्कार की प्राप्ति हुई। और यह सब करने में हमारे सभी साथियों ने बड़ा सहयोग दिया, कारण टीम इवेंट होता है, टीम इवेंट में सारी टीम काम करे तो पुरस्कार मिलता है, और सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार व्यक्तिगत था, हमें व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार मिला, और टीम के रूप में भी तीसरा पुरस्कार लेकर के हम लोग नागपुर आए थे। मेरे लिए यह भी एक जीवन का अविस्मरणीय क्षण। सर, आजकल के युवकों के लिए आपका क्या संदेश? मैं वर्तमान पीढ़ी के नौजवानों से एक ही संदेश देना चाहता हूँ, भारत में ही पूरा विश्व आपकी राह देख रहा है, कारण वह देश जिस देश को युवकों का देश कहा जाता है वो केवल भारत है। विश्व के सबसे ज़्यादा युवक अगर किसी देश में है तो मेरे भारत देश में, और विश्व में नेतृत्व देने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वर्तमान में जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है उसी में। वे निराश ना हो, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह जो मोबाइल नाम का प्राणी हमारे जीवन में आया है यह जितना आवश्यक है उतना ही हमारे जीवन के लिए दुर्भाग्यशाली भी है। यह जो सोशल मीडिया है, यह जो नेट है, यह जीवन के लिए जितना नितांत आवश्यक है इसके दुष्परिणाम भी वैसे ही है। सोशल मीडिया पर आने वाली सारी चीज़ें सही नहीं होती, इस बात को नौजवानों ने अंगीकृत कर लेना चाहिए, और सोशल मीडिया से परोसी जाने वाली गंदगी इससे दूर रहने का संकल्प भी आज के नौजवानों ने ले लेना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या 130 करोड़ की जनसंख्या में मेरे लिए मेरे देश ने क्या किया, आप ये प्रश्न जब करते हैं तो थोड़ा सा संकोच कीजिए कि 130 करोड़ के देश में बैठे हुए 562 लोग आपके बारे में, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अच्छा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आपके रोजगारों को एक दिन में सवाल नहीं सकते जान नहीं सकते। इसलिए इन प्रश्नों को लेकर के विचलित मत होइए। हर व्यक्ति अपने साथ में दो हाथ लेकर के आया है, एक मुख लेकर के आया है और अपना पेट लेकर के आया है। हाथ काम करेंगे, मुख से भोजन जाएगा और पेट पचाने का काम करेगा। प्रकृति ने हमें निर्माण ही इसी प्रकार से किया है, और प्रकृति ने हमें निर्माण किया है तो प्रकृति हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच करके होगी। इस दृष्टि से सकारात्मक रूप से आप काम करें। नैराश्य 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 इस शब्द को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। मैं केवल एक बात का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहता हूँ, नागपुर
शहर का रहने वाला मैं बासिंदा और मुझे 1997 में पहले बार नगर सेवक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2012 में मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष बना और 2012 में स्थायी समिति का अध्यक्ष बनने के बाद कन्याकुमारी से नागपुर तक की एक स्केटिंग रैली स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर मैंने निकाली। नागपुर के 50 बच्चे 1947 किलोमीटर की स्केटिंग रैली और 1 जनवरी को सुबह कन्याकुमारी से निकले और 12 जनवरी की शाम को नागपुर पहुंच गए। 1997 किलोमीटर केवल 12 दिनों में स्केटिंग के माध्यम से रोड पर स्केटिंग करते हुए, ट्रैफिक में स्केटिंग करते हुए, नाइट हॉल्ट करते हुए, अंधेरे में स्केटिंग नहीं कर सकते इसलिए ना करते हुए, जिस गांव में रुके उस गांव में वहां के नागरिकों का उद्बोधन करते हुए, चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर के हमने हमारे 12 दिन गुजारे। हम साउथ के स्टेट में थे, हम तमिलनाडु में थे, हम आंध्र में थे, हम कर्नाटका में थे, जहाँ पर हिंदी भाषा सुनी नहीं जाती ऐसा लोग स्थापित करते हैं। मैंने सारी जगह हिंदी में भाषण दिया और सारे लोगों ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया और स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को स्वीकृत किया। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूँ। स्वामी जी हिंदुस्तान से शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए और जब भाग लेने के लिए गए तो लोगों से चंदा जमा करके गए और 31 मई को पानी के जहाज में बैठ करके जाने वाले स्वामी विवेकानंद जी जुलाई महीने में 2 महीने का सफर करके स्वामी विवेकानंद जी शिकागो पहुंचे और जब कार्यक्रम के स्थल पर पहुंचे तो स्वामी जी को वहां पहुंचने के बाद पता चला कि कार्यक्रम 2 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। आप कल्पना कीजिए कि 2 महीने पानी के जहाज में बैठ करके यात्रा करके वो भी लोगों से चंदा जमा करके गया हुआ व्यक्ति 2 महीने अमेरिका में कैसे रुकेगा, ये यक्ष प्रश्न है। एक ही दिन में उनके जेब के आधे पैसे खत्म हो गए, दूसरे दिन किसी देहात में जाकर के स्वामी जी, लेकिन संकल्प नहीं छोड़ा, संकल्प लेकर के गए थे कि मैं शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लूंगा, 2 महीने बाद है तो 2 महीने बाद लूंगा। वहां उनसे पूछा गया कि आप किसी संस्था का अथॉरिटी लेटर लाए हैं क्या कि आप यहाँ भाषण दें। स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है। स्वामी जी को पता था कि अथॉरिटी लेटर के बगैर भाषण नहीं देने को मिलेगा, 2 महीने रहने और भोजन की व्यवस्था खुद को करनी पड़ेगी, जेब इसकी गवाही नहीं देता था। इसके बावजूद अपने संकल्प को पूर्ण करने वाले दृढ़ शक्ति वाले स्वामी विवेकानंद ने अपना मन पक्का करके अमेरिका में रहने का निर्णय लिया और इतिहास गवाह है कि सितंबर में 11 सितंबर को स्वामी जी ने भाषण दिया और 11 सितंबर के भाषण में स्वामी विवेकानंद विश्व के लोकप्रिय व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में स्थापित हो। अगर उन्होंने उसी दिन निराश हो गए रहते कि ये तो स्पर्धा 2 महीने आगे चले गई है, अब मैं भाषण कैसे दूंगा, जेब में पैसे नहीं है, मैं वापस चले जाता हूँ नहीं तो खाने और यहाँ रहने की जगह नहीं होगी, तो स्वामी विवेकानंद विवेकानंद नहीं बनते। मेरे पास अथॉरिटी लेटर नहीं है और अथॉरिटी लेटर नहीं है इसलिए मैं किस प्रकार से यह स्पर्धा में भाषण दे सकूंगा। विदाउट अथॉरिटी लेटर मुझे अनुमति नहीं मिलेगी तो मुझे रुक के क्या फ़ायदा। ये निराशा अगर उन्होंने मन में रख ली रहती तो स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद नहीं बनते। वो तो जहाँ जा करके मैसाचुसेट्स में स्वामी विवेकानंद रुके थे वहाँ ग्रीक यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर राइट नाम का था, उससे स्वामी जी की जब चर्चा हुई तो उस चर्चा में, एक दिन की चर्चा में उसने स्वामी जी से कहा कि तुम जा करके विश्व धर्म सम्मेलन में भाग क्यों नहीं लेते हो, तो स्वामी जी ने कहा कि वहाँ तो अथॉरिटी लेटर मांग रहे हैं। तो उस ग्रीक प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि आपसे अथॉरिटी लेटर मांगना इसका मतलब होगा कि सूरज से ये पूछना कि तुझे रोशनी देने का अधिकार किसने दिया। आप कल्पना कीजिए, हिम्मत मत हारिए। स्वामी जी ने हिम्मत नहीं हारी, 2 महीने वहां रहे, स्वामी जी ने हिम्मत नहीं हारी, स्वामी जी को अथॉरिटी लेटर उपलब्ध हो गया, स्वामी जी ने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद। कभी भी अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। स्वामी जी ने कहा उठो, जागृत हो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक निकलते रहो, लक्ष्य निर्धारित करो जीवन में, और वो लक्ष्य सोशल मीडिया के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत जीवन में आपके माता पिता ने किन संकल्पनाओं के साथ में आपकी निर्मित की है, प्रारब्ध ने आपको मनुष्य का स्वरूप इस समाज में दिया है तो इस समाज को आप क्या दे सकते हो, इसलिए दो। आप ये सपना देखना बंद कर दो कि मैं 10वीं पास हो गया हूं इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे स्कूटर लेकर के देना चाहिए। आप ये सपना देखना बंद कर दो कि मैं 10वीं पास हो गया हूँ इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के देना चाहिए। आप ये सपना देखो
के जैसे मैं किसी काबिल बनूंगा तो मैं मेरे कमाई से अपने माँ बाप को फोर व्हीलर उपलब्ध करा करके दूंगा, तो यकीन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब संकल्प लो कि मैं जीवन में सबसे ऊंची कीमत का मोबाइल अपने पिता को मैं खरीद करके दूंगा, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ोगे। लेकिन हमने हमारे विचार दूसरी दिशा में मोड़ दिए हैं, इस कारण यह स्थिति हमारे सामने आ गई। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज पश्चिम की चैंपियन पूरब के जाम में ढलती है। आज कथक पर नहीं डिस्को पर टांग के रखती है। आज राधा से कम जूलियट से ज्यादा पड़ती है। आज च्यवनप्राश पर नहीं बॉर्नविटा पर लोगों की लार टपकती है। और ये मेरे देश की वह संस्कृति, यह संस्कृति या स्वामी विवेकानंद के भारत की है? क्या स्वामी विवेकानंद ने इसी दृष्टि से विश्व धर्म सम्मेलन में अपने धर्म की स्थापना और सनातन धर्म की व्याख्या को परिभाषित किया? हम स्वामी विवेकानंद के वंशज हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का बुरा विचार मन में ना आने दे, कुंठा ना आने दे, निराशा ना आने दे। पराजय होती है, रुकावट होती है, लेकिन सारी रुकावटों को क्रॉस करके अपना लक्ष्य हासिल करने का सौभाग्य लेने के मैं पैदा हुआ हूँ, ये निर्णय आपको लेना है। यही संदेश मैं आज के माध्यम से देना। सर, आज आप अपना कीमती समय देके हमारे चैनल पे आए, हमारे प्रेक्षकों को गाइड किया, इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपके फ्यूचर लाइफ के लिए शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था दयाशंकर तिवारी सर के इंटरव्यू का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे आने वाले एपिसोड में देखिए। ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।